बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम संत राव, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज दी सूची से गल करांगे कनक दी फसल बारे। किसना किसान भरावां दी कनक हो गई है 70 तो 80 दिन दी या 85 दिन दी, तो तीसरा पानी लगाने बारे सोच रहे ने। तो आज दी वीडियो तुहाडे लई है, वीडियो पूरी वेखियो इंशाल्लाह फायदा होएगा। ते मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़रात दे मुतलक हर तरह दी मालूमात दी वीडियो तुहाडे तक आसानी पहुंच सके। किसान भराओ, जे तुसां तीसरा पानी लगाना है हुण अपनी फसल नूं, ते तुसी यूरिया दा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तीसरे पानी उत्ते यूरिया दा इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह साबित हुंदा है, साडी पैदावार बहुत ज्यादा घट जांदी है। क्योंकि जदों असी तीसरे पानी अपनी फसल नूं यूरिया देने हां, नाइट्रोजन देने हां, जिदे नाल साडी फसल दा जिहड़ा तना है ओह कमजोर हो जांदा है, पत्ते हरियाले ते हरियाली हो जांदी है, पत्ता कूला हो जांदा है, ते जिदे नाल इक ते जिहड़ी कुंगी दी बीमारी है ओहदे हमले दे चांस ज्यादा वध जांदे ने। ओहदे ते कुंगी दी बीमारी दा अटैक ज्यादा होएगा, जिदे नाल साडा पत्ता मुतासर होएगा कणक दा, ओहदा खुराक बनाउण दा जिहड़ा निजाम है ओह खराब हो जाएगा, जिदे नाल साडी पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा, तने दी खुराक जिहड़ी ओह पत्तियां च जाएगी, तना कमजोर होएगा, जिदे नाल साडी फसल डिगेगी, ते फसल डिगण दे नाल भी साडी पैदावार दा बहुत ज्यादा नुकसान हुंदा है। लिहाजा जे तुसी तीसरा पानी लगाउण बारे सोच रहे हो, ते तीसरे पानी तुसां यूरिया दा बिल्कुल जिहड़ा ओह इस्तेमाल नहीं करना। ते तुसां जे इस्तेमाल करना है, ते तुसां पोटाश, सोलेबल पोटाश पाउडर दे विच मिलदी है ओहदा इस्तेमाल करना है, या फिर तुसां लिक्विड दे विच जिहड़ी पोटाश है ओह तुसी फ्लड कर सकदे हो। इहदे नाल की होएगा कि साडी पैदावार ज्यादा होएगी, साडी कणक दा तना मजबूत है, लचकदार होएगा, ते फसल खलो के पक्केगी, दाना मोटा ते शाइन वाला होएगा, ते पैदावार भी ज्यादा होएगी। उम्मीद करना तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगी होएगी, ते कमेंट करके जरूर दस्या करो। कोई भी तुहाडा सवाल होए तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स च पुछ सकदे हो कि इहदा सवाल है कि कियां कीता जा सकदा है। इंशाल्लाह मैं तुहाडा रिप्लाई जरूर करांगा। बाकी मिलदे हां अगली वीडियो च, उदों तक अल्लाह हाफिज़।